तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि LLB का यहाँ पे टाइम टेबल यहाँ पे जारी हो गए हैं, लेकिन कल वेबसाइट पे यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे। तो आज मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे LLB के टाइम टेबल के साथ में यहाँ पे PG डिप्लोमा और जो LLM है उसके भी यहाँ पे टाइम टेबल यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि PG डिप्लोमा और LLM की जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट हो रही है, टाइम टेबल उनका क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप देखना अगर आप PG डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर LLM कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख के स्क्रीन पर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वेबसाइट फर्स्ट वेबसाइट है, वो पीसीएल वेबसाइट है ALU की। और इधर देखिए ये जो ALU exam.in है, ये सेकेंड वेबसाइट है जिस पे आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं, एडमिट कार्ड चेक करते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो हम यहाँ पे आते हैं। तो अगर आपको अपना टाइम टेबल देखना हो जो ALU की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इतना ही करना है गूगल में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है ALU jaipur.ac.in, बस इतना सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे इधर देखिए यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो यहाँ पे इधर है जो भी टाइम टेबल आते हैं, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, कोई न्यूज आती है, तो आपको इधर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए LLB थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये यहाँ पे न्यू स्कीम, फिर यहाँ पे ओल्ड स्कीम, यहाँ पे PG का, यहाँ पे फिर LLM का। तो इधर आपके टाइम टेबल यहाँ पे है वो शो हो रहे हैं। बाकी आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आप इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, ये देखिए इधर इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है वो आपको टाइम टेबल वगैरह, जो सॉरी जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इधर आपको टाइप करना है, किसी पे भी कर देना। यहाँ पे देखिए LLM है या फिर सॉरी डिप्लोमा है, LLB सेकेंड ईयर, किसी भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आप जैसे यहाँ पे टाइप करोगी तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन बाय वन सबके इधर टाइम टेबल है। आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर यहाँ पे PDF शो हो जाएगी आपके सामने और आप यहाँ पे अपना टाइम टेबल है वो देख सकते हैं। सबसे पहला बात करते हैं यहाँ पे है PG डिप्लोमा का, है PG डिप्लोमा इन लीगल फॉरेंसिक साइंस का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रही है। तो इनकी एग्ज़ाम हो रही है, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा आ गया जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है PG डिप्लोमा इन लीगल लीगल एंड फॉरेंसिक साइंस। इधर आप देख सकते हैं सेम नाम होना चाहिए। अगर कोई किरंतु परंतु है तो आप विश्वविद्यालय में कॉल करके उनको बोल सकते हैं सर टाइम टेबल आपने सही से नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, पहला एग्ज़ाम है वो 30/7 को यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 30 जुलाई को। और इधर इनके पेपर है आप देख सकते हैं, इनके 5 पेपर है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखिए लास्ट दिन की एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 8/8 को यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। टाइम यहाँ पे रहेगा भी रहेगा 11 से 2 का यहाँ पे टाइम है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम पहले डिप्लोमा उनकी बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देखिए जो क्रिमिनोलॉजी है इसकी बात करते हैं। डिप्लोमा है जो कि आप कॉलेज से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो करवा रहे हैं तो कर सकते हैं, बाकी नहीं करवा रहे तो फिर आपको इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा। तो उनकी एग्ज़ाम आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे हो रही है 30/7/2024 से। टाइम यहाँ पे रहने वाला 11 से 2 का है और इनकी एग्ज़ाम यहाँ पे 8/8 को यहाँ पे कम्प्लीट हो रही है। इनके भी यहाँ पे 5 पेपर होंगे। फिर हम नीचे यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखिए इधर यहाँ पे लेबर लॉ का है, तो हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है वो आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पोज करके आराम से टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं इनकी यहाँ पे एग्ज़ाम हो रही है, वहाँ पे 30/7 से हो रही है और 8 अगस्त को यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इनकी तरह यहाँ पे 5 पेपर आप आराम से देख सकते हैं, पेपर कोड है या आपका टाइम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं LLM फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं LLM फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे LLM फर्स्ट का यहाँ पे टाइम टेबल है। इनके यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है 18/7 से। और इधर इनके पेपर है, यहाँ पर टाइम रहेगा
और आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी 27/7 को, मतलब कि जुलाई में यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं एलएलएम सेकंड ईयर की। तो एलएलएम सेकंड ईयर का जो टाइम टेबल है वो यहाँ पे ये रहा। तो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी वो होगी यहाँ पे है। इसमें यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो जैसे आपके ब्रांचेज के हिसाब से है, ठीक है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं एलएलएम, या फिर आप इंटरनेशनल लॉ से कर रहे हैं, या फिर आप कॉरपोरेट लॉ से कर रहे हैं, या फिर आप क्रिमिनल लॉ से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ब्रांच है, इसमें चार ब्रांच है, ठीक है। तो इनका आप टाइम टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट ब्रांच है उसके अंदर है 19 तारीख से यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और यहाँ पे 31 तारीख को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इधर आपके यहाँ पे फोर्थ पेपर है, ये आपका टाइम रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम पे स्टार्ट होगी वो होगी यहाँ पे 19/7 को और 31/7 को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इधर आपके यहाँ पे पेपर है। फिर यहाँ पे ब्रांच की बात करते हैं, 3 नंबर की ब्रांच की बात करते हैं। तो यहाँ पे है वो 19/7 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और 31 को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। तो 19 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी और 31 को यहाँ पे एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इधर आपके पेपर हैं, तो इनके यहाँ पे 4 पेपर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टाइम आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 11 से 2 का। और बाकी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वो इतना ही लिखा हुआ है कि आपको है वो एग्ज़ाम के अंदर है वो कोविड के जो प्रोटोकॉल उसको पालन करना होगा, और आईडी कार्ड आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा कॉलेज का, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें यहाँ पे नीचे जो प्रिंसिपल सर है उसके उनके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। बाकी उसको आप पढ़ लीजिए एक बार, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं दिया हुआ है।